जब लोग हमें यहाँ पे बैठे हुए देखते हैं या आप लोग को आपकी पोस्ट पे देखते हैं, देखने वाले, तो यही लगता है कि ये शुरू से यहीं पे होंगे. जो स्ट्रगल होती है पीछे वो इतनी पता नहीं होती. तो नदीम साहब आप बताइए, सबसे पहले आपने शुरू कैसे किया था एंड ये जो रेवोल्यूशनराइजेशन आ रही थी मीडिया की उस दौर में, तो एक डिसीजन हर किसी को ज़िंदगी में लेना होता है कि करियर पाथ चूज़ करना है, तो क्यों चूज़ किया था, वाई मीडिया एंड वाई न्यूज़? थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले शुक्रिया आपका. तो जर्नी जैसे हर बंदा जो भी इंडस्ट्री में आता है या हमारे पास आते हैं लोग, वही बोलते हैं हमारा पैशन है. वे कब से पैशन है? बचपन से पैशन है. तो मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि मेरा पैशन था, ना कोई इस तरह का वो था. मैं हादसाती तौर पर इस इंडस्ट्री में आया था विदाउट प्लानिंग. ना मैंने कोई मास कम्युनिकेशन की थी इस इंडस्ट्री, इसमें जस्ट बीकॉम मैंने किया था. तो फिर उसके बाद फिर आईआर में मैंने मास्टर की, वो इसी इंडस्ट्री में रहते हुए वो की, और शुरुआत की अखबार से, न्यूज़ एजेंसी से. वहाँ से हमारी बेसिकली ग्रूमिंग हुई अखबार से. फिर जब 2002 में जियो आया तो उस वक्त मैं एक्सप्रेस अखबार में था. एक्सप्रेस अखबार भी उसकी पायनियर में से मैं हूँ, लॉन्चिंग टीम का हिस्सा. तो वहाँ हमारे न्यूज़ एडिटर थे ताहिर नजमी साहब, अभी भी हैं जी. तो वो कहने लगे कि जाओ भाई, वो एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया मीडिया आ रहा है, उसी ने आगे जाके काम करना है सारा, तो जाएँ अप्लाई करें जाके. तो मैं नहीं गया. फिर अगले दिन बोले तुम जाओगे नहीं जाओगे यहाँ से, क्या यहीं बैठे रहना तुमने? मैंने सच में जाता हूँ. तो मैं एक दिन चला गया, वहाँ गया. ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जरूर बताऊँगा. बिल्कुल बिल्कुल. उस वक्त शदीद गर्मी थी, मेरी अपना अवारी टावर में ट्रेनिंग चल रही थी जियो की. yes. तो मैं जब गया, सीवी जेब में रखी, बाइक के ऊपर बैठा और चला गया. जब वो अवारी पे गया तो बाइक वहाँ पे पार्क की, मैंने गया, वो जेब में मेरी सीवी थी और गर्मी शदीद. तो अदर साहब से मिलना था, वो बड़ा मुश्किल काम था. ना मैं जानता था उनको, ना वो मुझे जानते थे. मैं ऐसे चला कि मैंने कहा भाई मिलना है. बोले कौन? मैंने कहा भाई नदीम नाम है मेरा. तो उनसे जानते हो? मैंने कहा नहीं, बस मैंने सुना इंटरव्यूज हो रहे हैं तो मैं आ गया जी. तो बहरहाल चला गया. बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई. तो उन्होंने बोला भाई यहाँ तो हायरिंग क्लोज हो गई. तो उससे ये कॉन्सेप्ट नहीं था. अब लोगों को लगता है मीडिया में कॉन्सेप्ट ये है कि आपको किसी की रेफरेंस चाहिए, आपको किसी का कुछ चाहिए. मेरिट पे होता था? वो कतई नहीं. अब आज भी मेरिट पे होता, मैं आगे बताऊंगा. पहले ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. जी बिल्कुल. तो अदर साहब आए, बोले भाई ये खत्म. मैंने कहा नहीं सर, अगर टेस्ट ले लें, अगर मैं कामयाब हूँ तो ठीक है, तो भाई छोड़ दें. तो बोला अच्छा सीवी लाओ. मैंने जेब में हार्ड वाले जीन्स की पैंट थी तो वो गीली हो रही थी लिटरली ना. तो उन्होंने बोला अबे ये क्या लेकर आए? मैंने कहा सर क्या करूँ, बाइक के ऊपर आए, गर्मी ज़्यादा है. तो उन्होंने ऐसे पकड़ी. तो वो फिर मुझे अंदर ले गए, टेस्ट दिया, दो तीन खबरें दी, द न्यूज़ अखबार की अपना वो, और क्रीड दी इंग्लिश की, और एक लेटर दिया, बोले लिख के दे दें. मैं लिख के दे के चला गया. कोई डेढ़ घंटे का टाइम था, 50 मिनट दे के ऑफिस चला गया. एक्सप्रेस सिटी पेज पर होता था मैं जी. तो वहाँ पर हमारे सरफराज सयाल और शुएब इंसाफ वहाँ पर साथ होते थे. मैं गया, दो तीन घंटे के बाद कॉल आती है कि भाई एचआर से आप आ जाएं, अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लें. क्योंकि जब मैं वहाँ गया था अपनी माँ से कह के गया था, मैंने कहा अम्मी मैं जा रहा हूँ तो दुआ करना. क्योंकि जब भी मैंने कोई काम किया जो बड़ा कदम उठाया तो अपनी माँ की आशीर्वाद लेके निकलता था. तो मैं कोई नहीं जानता था किसी को, लिटरली मेरिट के ऊपर आया. तो वहाँ से फिर काम शुरू किया हमने. ट्रेनिंग एक सेशन हो चुका था, दूसरे सेशन में हमने वो ट्रेनिंग ली जो कि फिर वहाँ पे करते करते असाइनमेंट बिठाया. अच्छा मैं थोड़ा सा एक ये भी थोड़ा सा मैं टाइम और लूँगा कि ये जो आजकल जो न्यूज़ रूम में हो रहा है. यस. कि असाइनमेंट डेस्क से मुझे बिठा दिया कि भाई मैं तो गया था कॉपी पे, तो मैं ये बोलता कि मैं तो इसमें हायर नहीं हुआ. बिल्कुल. बैठ गया, असाइनमेंट में हमने काम किया, असाइनमेंट पे काम किया. उसके साथ साथ जो राइटर्स की खबरें आती थी वो ट्रांसलेट की हमने, वो ट्रांसलेट करते थे, उसी व्यू डालते थे, और इवन जो बीपर होता था वो भी लिखते थे, क्वेश्चन भी उसके लिखते थे. ठीक है. उसके साथ साथ आगे गए, इसकी ये जर्नी हमारी इस तरह से आगे बढ़ते गए. फिर दुबई गए, वहाँ पे काम किया, हेड ऑफिस यहाँ था, वहाँ हम ड्रामे कर सकते थे, क्या कोई देख तो रहा नहीं है, इतना कैमरों का रिवाज नहीं था. आज तो हर किसी सर पे कैमरा है, उसके बावजूद जो है ना लोग उस काम उस तरह से नहीं लेते. असल में तरीके भी आ गए ना लोगों को काम को स्केप करने के. नहीं देखें, असल बात यह है कि जो काम करता है ना सबसे पहले बेनिफिशरी उस काम का वो खुद ही होता है, उसकी ज़ात होती है, बाद में इदारा आता है. तो हमने ये अभी हमारे सीनियर भी ऐसे थे ना, इंसान से बैठे नासिब बेग चुगताई साहब, अजहर अब्बास साहब, ठीक है, वो लिटरली डांटे हमने सुनी है, डांट सुन के करते थे. लेकिन
जिस चीज पे डांट सुनते थे वो दोबारा गलती नहीं करते थे। बिल्कुल, आज का मसला ये है कि उसी गलती के ऊपर बार बार कहना पड़ता है ना, तो ये इस तरह का एक हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो 4 साल के बाद जो है ना प्रोड्यूसर बने, आज तो हायरिंग ही डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से होती है, ठीक है ना। तो वो फिर कहाँ से होगा, वो जर्नी है। देखें जो प्रिंट मीडिया से इस हम लोग हमारा सबका यही बताएंगे अपना, हमारा सबका प्रिंट मीडिया से ही शुरुआत है ना। प्रिंट मीडिया से हम इधर आए क्योंकि हमारा पूरा नॉर्म प्रोटोकॉल्स खबर बनाने किस तरह से वो है, पूरी हमने जर्नी की है वहाँ, तब इस काबिल हुए कि यहाँ पे आके बैठे। और हाँ कह सकते हैं जो हमने काम किया अखबारात में जी। और फिर जो हमने अपनी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने लर्न किया, अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ या इतने दारों का हेड किया है, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली उसको हमने अवेल किया। ये नहीं देखा कि यार वो कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये होता है ना क्योंकि कोई देखे ना देखे फलाना तो देख रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कोई देखे ना देखे, यार मेरा इनर तो है ना, मेरा इनर तो मेरे साथ है, ठीक है। तो वो इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई, वो यहाँ से चलते चलते खरामा खरामा यहाँ पे आके बैठ गए। और अब फिर नए सिरे से काम करें, हर जगह जाते हैं नए सिरे से फिर काम शुरू करते हैं, नई टीम और इस तरह से एक और नई टीम है। तो ये इस तरह से मेरी ये जर्नी शुरू हुई।